जो सिद्धू जी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, और अभी कॉमेडी नाइट्स में भी जज हैं। तो नवजोत सिद्धू जी जो हैं वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। सिद्धू जी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते थे। उनके फादर कभी ये नहीं चाहते थे कि वो उनको किसी काम के लिए फोर्स करे। वो हमेशा ऐसे गाइड करते थे कि बेटा आपको जिस चीज़ में रुचि है वही करो, लेकिन जो करो अच्छे से करो। तो सिद्धू जी की रुचि क्रिकेट में थी, इसलिए उनके फादर भी उनको क्रिकेट के लिए सपोर्ट करते थे। सिद्धू जी के फादर उनको सुबह 5:30 बजे उठा देते, बोलते बेटा जाओ आप रनिंग और एक्सरसाइज करके आओ। सिद्धू जी का उस टाइम पे स्वभाव थोड़ा आलसी किस्म का था। सिद्धू जी 5:30 बजे अपने फादर के कहने पे उठते, मेन गेट से बाहर जाते, घर के सर्वेंट के साथ उन्होंने सेटिंग की हुई थी कि वो मेन डोर से बाहर जाएंगे, लेकिन जो पीछे वाला दरवाजा है वो सर्वेंट खोल देगा, और घूम के वो वापस आके अपने रूम में फिर से सो जाते। फिर 1.5 घंटे के बाद नौकर की ड्यूटी थी, वो सिद्धू साहब को उठाता और बैक डोर से उनको वापस बाहर निकालता। वो अपने बॉडी पे कपड़ों पे पानी के साथ छींटे मार के गीला कर लेते थे ताकि लगे कि वो दौड़ के आए हैं, पसीना आया हुआ है। और सिद्धू जी बैक डोर से बाहर जाके हाफते हुए मेन डोर से अंदर आते, जहाँ पे गार्डन में उनके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते। सिद्धू को हाफता हुआ और पसीने में लथपथ देख के वो बहुत खुश होते कि बच्चा जो है मेहनत करके आया है और ये एक ना एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। सिद्धू साहब आते ही अपने मदर और फादर को बोलते बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, और वो लोग भी बच्चे को खाने को देते कि थका हुआ है। खाना खा के सिद्धू साहब फिर से सो जाते। 1983 के टेस्ट मैच की बात है, जिसमें सिद्धू जी ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लगभग 2 घंटे 10 मिनट तक खेला, लेकिन सिर्फ 20 रन बनाए। उस टाइम का एक स्पोर्ट्स राइटर राजन बाला, उन्होंने सिद्धू जी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया, न्यूज़ छापी, द स्ट्रोकलेस वंडर। सिद्धू जी के पिताजी सुबह सुबह ही न्यूज़पेपर देखते थे, तो उस दिन का न्यूज़पेपर देखा और जब देखा कि बेटे के बारे में ये न्यूज़ आई है स्ट्रोकलेस वंडर, वो रूटीन में सिद्धू जी के पास गए और बोला बेटा तुम्हारे बारे में ये न्यूज़ छपी है। सिद्धू जी ने न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखी और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके फादर की आईज में आंसू थे। सिद्धू जी अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपने फादर के आंसू जो हैं वो बर्दाश्त नहीं हुए। उस दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो स्ट्रोकलेस वंडर है अब ये कुछ वंडर करके दिखाएगा। और सिद्धू जी का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था, उन्होंने उस दिन से कमिटमेंट की कि मैं दिन में इतनी प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं एक दिन में 300 सिक्सर नहीं मार लेता मैं घर वापस नहीं आऊंगा। वो आसपास के कॉलेजेस में गए, उन लोगों से बात की जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट था, बॉलिंग का शौक था, उनको बोला कि आप आके मेरे लिए बॉलिंग करो, मैं आपको
बॉलिंग के लिए पे करूंगा। और सिद्धू जी ने उस दिन से प्रैक्टिस शुरू कर दी, सुबह से लेके शाम तक। नॉर्मली वन डे में 50 ओवर्स होते हैं, टोटल 300 बॉल्स होती हैं। उनकी कमिटमेंट क्या थी कि मैं 300 सिक्सर मारूंगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, चाहे दिन के बदले में रात हो जाए, लेकिन जब तक मैं 300 सिक्स नहीं मारूंगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। कमिटमेंट कर ली खुद की और प्रैक्टिस शुरू कर दी। खेलते खेलते उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, कई बार खून निकलना शुरू हो जाता था, लेकिन नहीं, जो डिसाइड कर लिया, जो डिसिप्लिन बना लिया वो करना है। फादर ने, मदर ने 2-3 बार बोला, बेटे छोड़ो, किसी ने लिख दिया है, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात हो गई है। सिद्धू जी बोले, नहीं छोड़ेंगे नहीं। 1987 में वर्ल्ड कप में वही सिद्धू जी जिनके बारे में न्यूज छपी थी, स्ट्रोकलेस वंडर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेला, टोटल 72 रन बनाए 76 बॉल्स में, जिसमें से 5 सिक्सर्स थे, 4 फोर्स थे, और जो अपने नाम पे लगा हुआ दाग था उसको कैसे मिटाया, प्रूव करके कि सिद्धू भी रन ले सकता है। उसी राइटर राजन बालाजी ने सेम न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के सिद्धू जी से अपोलोजाइज किया, और ये आर्टिकल छापा, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू ग्रूव हिटर। तो ऐसी स्टोरीज हमें इस चीज के लिए मोटिवेट करती हैं कि हमने अगर लाइफ में किसी गोल को अचीव करना है तो हमें सबसे पहले तो डिसिप्लिन्ड होना है, अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए ये काम करूंगा और रेगुलर करूंगा, चाहे धरती इधर से इधर हो जाए, चाहे सूरज निकले नहीं निकले, चाहे जितना मर्जी तूफान हो, चाहे जितने मर्जी फंक्शंस हो, पार्टीज हो, अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे जितनी मर्जी दुनिया रोके, लेकिन ये काम मैंने करके दिखाना है। अगर इस तरह मानता हूँ कि हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, माई सेल्फ जसविंदर फ्रॉम जलंधर।